महंगाई। जब महंगाई अपने चरम पर हो तो जनता क्या करे। तेल के दामों में तेजी, सिलेंडर के दामों में उछाल, टमाटर की कीमतों में आग, जिसने जनता को परेशान कर रखा है। लेकिन अब नए साल से पहले यानी कि आज 1 दिसंबर से जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। जनता राहत तलाश रही है, लेकिन सरकार ने महंगाई का आंकड़ा फिर बढ़ा दिया, क्योंकि नए महीने की शुरुआत के साथ ही माचिस खरीदने से लेकर टीवी देखने तक और मोबाइल पर लंबी बात करने तक सब कुछ महंगा हो गया। क्योंकि तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपये का इजाफा कर दिया है। वहीं इस बार 14 साल के बाद 1 रुपये की कीमत के माचिस के रेट भी बढ़कर 2 रुपये कर दिए गए, और इससे पहले 2007 में माचिस की डिब्बे की कीमत 50 पैसे से बढ़कर 1 रुपये की गई थी। वैसे एक और झटका रिलायंस जियो ने भी दिया है, जहाँ आज के बाद रिलायंस जियो ने भी अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। जियो ने 24 दिन से लेकर 365 दिन तक की वैलिडिटी वाले कई प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा नवंबर के आखिरी में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी टैरिफ के रेट्स बढ़ा चुका है, यानी अब आपको जियो को 8 से 20% ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। वैसे एक और बड़ा बदलाव SBI क्रेडिट कार्ड में भी किया गया है, यानी कि अब SBI कार्ड पर आपको ज़्यादा पैसा चुकाना होगा, यानी कि सभी EMI खरीद पर 99 रुपये ज़्यादा खर्च देना होगा। वैसे अब TV देखना भी महंगा होगा, क्योंकि अब आपको DTH के लिए भी अधिक पैसा देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार प्लस, कलर, सोनी और जी जैसे चैनल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि कीमतों में 35 से 50% का इजाफा हुआ है, और ऐसे में अब TV देखना भी महंगा होगा। और उधर BJP शासन में महंगाई लगातार बढ़ी तो कांग्रेस अब इस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने महंगाई पर अब एक रैली निकालने की तैयारी कर ली है। वैसे साल जाने वाला है, लेकिन सरकार महंगाई बढ़ाए जा रही है। सरकार महंगाई कम करने को तैयार नहीं, लेकिन जनता करे तो क्या करे। महंगाई पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट जरूर करें।